तो देखिए इस टाइम मैं डीएसए फील्ड में आ गया हूँ और वहाँ पे चल रहा है मैच, लेकिन मैच के साथ हाँ देख सकते हैं लोग इस तरह से भी जाना की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो देखिए चल रहा है 4-7 का। तो देखिए इस टाइम चल रहा है फुटबॉल मैच 4-7 और यह गोल पोस्ट सामने। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान भी। और जो आजकल हो गया नैनीताल के वेदर के समय टूरिज्म को, उसमें कल देखिए हमने कितनी बारिश थी नैनीताल में। हालांकि आज भी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी लेकिन बारिश नहीं हुई है, धूप हो रही थी सुबह से। और आज फुटबॉल मैच है फाइनल, तो उसकी तरफ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे नैनीताल में कैसा क्रेज रहता है फुटबॉल का, बच्चों का फाइनल मैच है। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के लोग मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं ठंडी सड़क, और ठंडी सड़क में आज एक कल भारी बारिश से एक हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ था और पेड़ गिर गया था और थोड़े से पत्थर नीचे आ गए थे। तो रास्ते में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये यहां पे पेड़ भारी, बहुत भारी पेड़ था, ये गिर चुका है और पूरी रास्ता बंद हो गई, तो इसी के अंदर से हमें जाना पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि दिन में चटक धूप भी है, मौसम अच्छा है, लेकिन कल की बारिश में कुछ इस तरीके से देखिए लैंडस्लाइड हो गया था पेड़, और पेड़ के अंदर से हम चलेंगे। देखिए अरे बाप रे, बड़े ही देखिए इसके अंदर से जाना पड़ रहा है, पूरे रास्ते में पूरा पेड़ गिरा हुआ है ये, और ये अक्सर ना ये पेड़ ऐसे ही गिरते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं जा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग काफ़ी घना पेड़ है ये, और ये गिरा है ठंडी सड़क में कल बारिश से। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और ये ठंडी सड़क देखिए, और बस ये देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, मतलब पूरा ही पेड़ आ गया, कुछ रोड क्षतिग्रस्त हुई है, रेलिंग क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये देख सकते, और ये पत्थर देख रहे हैं आप कितने भारी भारी पत्थर नीचे आए हुए हैं ये, तो कल की बारिश से हुआ है ये। और आगे आप देख सकते हैं ये नज़ारे, तो इन रास्तों में अक्सर ऐसा होते रहता है ठंडी सड़क में, और मौसम काफ़ी अच्छा है, नीला आसमान है, धूप आ रही है काफ़ी अच्छी। तो ये जो हुआ था कल की बारिश में हुआ था, तो और ये फूल देख सकते हैं आप, ये फूल अक्सर बरसातों में देखने को मिलते हैं। हरियाली देख रहे हैं आप लोग कितनी हरियाली है, तो हरियाली भी है साथ में वेदर भी अच्छा है आज, और जबकि आज स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बगल में लेक, तो हम चलते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग ठंडी सड़क नैनीताल की। और यहाँ पे कुछ तार ना तार भी टूटी हुई थी, जो पेड़ गिरा है तो उससे तारें भी टूट गई थी, और ये लेक देख रहे हैं आप। तो सामने देखिए लोग ऐसे पर्यटक निकल के जा रहे हैं, और यहाँ पर ना हल्की सी वायर भी टूटी है, ये तारें टूटी हुई हैं, देखिए ये बिजली की तार हैं, कुछ वैसे तार हैं। तो कल की बारिश में हुआ है ये सब कुछ, और आज ऐसा है कि ये वेदर क्लियर है, धूप निकलते हुए है, तो इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। लेकिन ये पेड़ शायद शाम तक कट गया, कट जाए, क्योंकि काम तो जैसा आप लोग देख रहे हैं स्टेप पहुंच चुका हूं मैं नैनीताल के सामने, नैनीताल की लेक के पास, और आज कुछ इस तरीके से नज़ारा है, पानी का कलर भी आज ग्रीन दिख रहा है। तो कल तो काफ़ी मूसलाधार बारिश थी, इतनी बारिश थी कि कल हालत ख़राब हो गई, सुबह से लेकर रात तक बारिश थी। लेकिन आज भी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी बच्चों की, लेकिन आज वैसा वेदर नहीं हुआ, आज काफ़ी फर्स्ट क्लास धूप आ रही नैनीताल में। तो ये देख सकते हैं आप लोग वेदर भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी सुबह से ही है। तो जैसा हमने सोचा था आज भी वैसे होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अभी पर्यटक आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ ही पर्यटक नज़र आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा बोट से तो यहीं खड़ी भी हैं ये, क्योंकि इतने पर्यटक है नहीं जो बोटिंग करेंगे, पूरे यहाँ तक बोट्स लगी देखेंगे। ये देखना आप लोग, बहुत कम पर्यटक हैं जो बोटिंग कर रहे हैं सामने, और ये देख सकते हैं हम नीला आसमान, अब बादल भी हैं, काले बादल भी आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी बरसात ना हो जाए। और पानी का कलर आज चेंज ग्रीन दिख रहा है पूरा, तो ये देख सकते हैं। और मैं उस टाइम फुटपाथ में, तो फुटपाथ की दुकानें अभी नहीं खुली हुई है, समय तो हो गया इनका, तो हल्के हल्के खुलना शुरू हो जाएंगी अब। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा, और सफाई भी चल रही है, देखिए नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो सफाई कर रहे हैं, जितना कूड़ा करकट आ जाता है नालों के द्वारा तो सब सफाई हो जाती है, तो ये लगे पड़े हैं अपनी सफाई व्यवस्था में। और ये देखिए किस तरीके से नज़ारा है नैनीताल किसान, नैनीताल के लेक का। और इस टाइम मतलब जो बोटिंग कर रहे हैं ना, उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि धूप भी पड़ रही है, उनके गुनगुनी सी धूप,
लेकिन जब धूप में चल रहे हैं तो ऐसा गर्म लग जा रहा है कि बस प्लेन्स वाली फीलिंग आ जा रही है कि प्लेन्स में इतना गर्म हो रहा है और नैनीताल में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल कूल एसी वाली हवा नेचुरल। तो देखिए इस टाइम मैं पार्क के पास हूँ और सामने बैंड हाउस कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है आज खाली खाली सा। और ये झूले की स्थिति तो पूरी डगमगा चुकी है क्योंकि झूले आड़े टेढ़े सब टूट चुके हैं ये, क्योंकि इसमें बेतुके ढंग से झूला जाता है तो टूटने तो संभवता है। और ये पार्क देखिए खाली है बिल्कुल, फुटपाथ बगल में फुटपाथ है तो अभी दुकानें नहीं लगी हुई, इसका तो समय चार। तो आज बच्चों का मैच भी है तो थोड़ा सा फाइनल मैच दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे हर्षोल्लास से फाइनल मैच होता है, चाहे वो बड़ों का हो चाहे बच्चों का हो। तो कुछ इस तरीके से नैनीताल का वेदर बना हुआ देखिए। तो देखिए इस टाइम मैं डीएसए फील्ड में आ गया हूँ और वहाँ पे चल रहा है मैच, लेकिन मैच के साथ साथ ये बादल देख रहे हैं आप लोग, और ये ऐसे बादल हैं कि कभी भी बरस सकते हैं ये। और नैना पीक की तरफ पूरा ऐसा हो गया कि अभी बारिश हो जाएगी। और सामने इधर मेरा घर है यहाँ पे, तो यहाँ से इतनी ऊँचाई से नीचे आता हूँ फिर इतनी टॉप में जाता हूँ मैं, ये सामने इधर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है 7 नंबर का, और यहाँ बादल देख सकते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन उसी के संग ये बादल, तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं। तो देखिए चल रहा है 4-7 का फाइनल मैच और क्राउड देखिए। तो क्राउड देख रहे हैं हम लोग, कितना सारा क्राउड है आज फाइनल मैच में। तो चल रहा है फाइनल मैच, तो बड़ा तगड़ा मैच चल रहा है भाई साहब। तो देखिए इस टाइम चल रहा है फुटबॉल मैच 4-7 का फाइनल मैच। तो यहाँ से आप क्राउड देख सकते हैं किस तरीके से क्राउड, और हल्की हल्की बारिश भी होगी तो छाता मुझे लेना पड़ गया अभी भाई से। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से क्राउड, ये देख रहे हैं आप लोग ये। तो बारिश के बीच में रोमांच भरा मैच चल रहा है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब जगह नहीं है कहीं से कि मैच देखा जाए कहीं से, तो पूरा हाउसफुल जैसा ही लग रहा है यहाँ पे। और यह गोल पोस्ट सामने, तो यहीं पे गोल होगा, तो मैं यहीं पे आ जा रहा हूँ बार बार। आप गोली देख रहे हैं सेंट जोसेफ कॉलेज, और दूसरी है भारतीय सही सैनिक विद्यालय। और आज भीड़, हर जगह से भीड़ ही भीड़ है आज, तो देख रहे हैं आप लोग। क्या बात है, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, बहुत प्यारा यार गोली, बॉल बॉल ना बॉल।
बहुत बढ़िया, आगे आगे पैर में आगे बोल, बस 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 नंबर 10 बगल 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 तो यहाँ पे सैनिक ने गोल मार दिया है। चल के खेलो, बॉल को ले जाओ उठा के। पतले थोड़े मोटे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नगर पालिका के पास कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं, और ये बाहर के भी हैं, लोकल के स्कूल के बच्चे भी हैं। तो आज है फाइनल मैच, तो सभी को क्रेज रहता है फाइनल मैच देखने का। 4-7 का चल रहा है सैम और सैनिक स्कूल का। सैनिक ने एक जूरे से बढ़त बना रखी है, और कहीं फाइनल कप सैनिक के नाम ना हो, अभी तो चल रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जूरे से बढ़त बनाई हुई है सैनिक स्कूल। और ये देख रहे आप लोग किस तादाद में लोग बैठे हुए हैं, ये हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं, सैम के अलग, सैनिक के अलग। सैम ने भी एक गोल मार दिया है, अब दोनों एक एक गोल से बराबर हो गए हैं। Well,